साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे सऊदी से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास वही बंदे कांटेक्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं मेरा वीडियो वो देख लेते हैं, उनके पास पहुंच जाता है और उनको ये लगता है कि यार इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो चलो 500 रुपये दे देते हैं, क्या पता 500 रुपये में अपना भला हो जाए। ये बंदा हमारे राजस्थान का बंदा था। 2-3 दिन से मैसेज कर रहा था, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। सबको पता है भाई, फीस डालोगे तो रिप्लाई दूंगा, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं। आज 1 साल होने जा रहा है। इस बंदे ने मुझे 500 रुपये फीस डाल के मुझे एक वीज़ा सेंड किया। ये वीज़ा आप देख सकते हैं, इधर मैं स्क्रीनशॉट में छोड़ रहा हूँ। ये वीज़ा उन्होंने सेंड किया, बोला सर ये मेरा सऊदी का वीज़ा है, आप चेक करिए कि ये है क्या, मतलब सही है गलत है। इसने वो बंदे को शायद 15,000 रुपये ये बोला, मैं दे चुका हूँ सर, 15,000 मैंने दे दिए हैं। अभी दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि आपको 50,000 रुपये और देने हैं, ठीक है, 50,000 रुपये इमिग्रेशन में जमा करवाने हैं तो आपको और देने। तो सर मैंने आपको फ़ीस डाली, आप मेरा वीज़ा चेक करिए कि मुझे 50,000 रुपये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो भाई मैंने उसका वीज़ा मंगवाया, मैंने, मेरा फ़र्ज बनता है भाई अगले ने फीस दी है तो मुझे इतना टाइम लग जाता है वीज़ा चेक करने में। साथियों आपको तो ये लगता है कि 2 मिनट का काम है, 2 घंटे माथापच्ची करी, क्योंकि ये वीज़ा मेरे से चेक नहीं हो रहा था। अब मैंने ऐसे तो नहीं बोल सकता हाँ ठीक है आप दे दो पैसे, ऐसे कर वो तो गलत नाइंसाफी हो जाती है। मैंने उसको फिर मैसेज किया, मैं बोला भाई आपका वीज़ा चेक नहीं हो रहा, आप अपना लिंक डालिए, क्योंकि वो वीज़ा उसने चेक कर लिया। किसने? जिसने मुझे फीस दी थी उसने वो वीज़ा चेक कर चुका था। वो बोला सर मेरे पास वीज़ा चेक हो रहा है। मैं बोला भाई अपना लिंक, जो लिंक पे आपने वीज़ा चेक किया है वो साइड पे डालिए। तो वो साइड उस एजेंट ने दी थी जो सऊदी में बैठा है, ठीक है, वो अपने आप को सऊदी में बताता है, अब इंडिया में होगा हमें नहीं पता। उसने, मैंने उस लिंक पे जाके देखा तो ये वीज़ा उसका चेक हो रहा था। अब जेन्युइन काम हो गया, वीज़ा चेक हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं साथियों डाउट था कि यार कहीं ना कहीं ये वीज़ा, ये साइड गलत है। जो साइड पे मैंने चेक किया वो साइड पे भी डाल दूंगा मैं, आप देख लेना कि ये साइड ये हो नहीं सकती। फिर मैं सर्चिंग किया, 1 घंटा और लगा मुझे, तब जाके मैंने चेक किया कि उसकी साइड फेक थी। अब इसका अंदाज कैसे लगाऊंगा, मैं 2 स्क्रीनशॉट आपके साथ डालूंगा। एक वीज़ा मैंने सऊदी गवर्नमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट इमिग्रेशन की, उस पर जाके सेम उसी प्रोसेस से उसको चेक किया तो बाकायदा खुल के वीज़ा पूरा प्रिंट होके सामने आ रहा है, यानी 1 नंबर। दूसरा, इस वीज़ा को, जिस वीज़ा को उन्होंने मुझे सेंड किया ये उस साइड पे चेक हो रहा है जो उसने चेक किया, जो जिस साइड पे मैंने पहले वाला वीज़ा चेक किया उस पे इसका वीज़ा नंबर लगाता हूँ तो ये चेक नहीं हो रहा है, गलत हो गया ना काम। अब आप समझ लीजिए भाई, 500 रुपये में आपको नानी याद आ जाती है देने में, यहाँ 50,000 रुपये बंदा देने के लिए बोला सर मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा पैसा देने के लिए। कोरियर बंदा पासपोर्ट लगा चुका था दिल्ली के लिए, कोरियर से पासपोर्ट भेज दिया, पैसे अकाउंट में डालने थे, ये प्रोसेस था। अब भाई ये गलत, मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैं बोला भाई देख ये वीज़ा इस साइड पे चेक हो रहा है, ये ओरिजिनल साइड है, आप चेक कर लो, आपका वीज़ा इस पे चेक नहीं हो रहा है। अब मैं बता दूँ ये काम, बंदे को काम क्या बताया था, मस्जिद क्लीनर का काम था, सैलरी 2,000 सऊदी रियाल। कौन देता है भाई 2,000 सऊदी रियाल? देता है कोई? आप समझदार बंदे हो, किसी को मिलती है 2,000 सऊदी रियाल जो मस्जिद क्लीनर का काम करते हैं? सऊदी में क्या है, दुबई कतर कहीं पर भी कर लो, क्लीनर में सैलरी 1200 से ऊपर नहीं मिलती। 2,000 सैलरी बताई गई बंदे को, काम बताया गया मस्जिद में साफ सफाई का, ठीक है ये बता दिया। अब इसमें क्या बताया कि 50,000 रुपये आपको इसलिए देने हैं कि आजकल 2 लाख रुपये कंपनी वीज़ा की सिक्योरिटी लेती है, आपके ऊपर कंपनी 2 लाख रुपये वीज़ा का खर्च कर रही है तो इसके लिए सिक्योरिटी लेगी 50,000, वो भी मैं स्क्रीनशॉट शॉट में डालूंगा, एक अलग से फार्मूला बना रखा है उन्होंने। ये उसने भेजा, बोले 50,000 आपको सिक्योरिटी के देने हैं, जैसे आप सऊदी पहुंचोगे आपको 50,000 वापस मिल जाएंगे। आज तक ऐसा हुआ है सऊदी में इंडिया के 20 लाख आदमी, आज तक ऐसा हुआ किसी के साथ? टोटली रॉन्ग, ठीक है। कोई कंपनी सऊदी की 2 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती, 2 लाख रुपये वीज़ा की, कंपनी का वीज़ा का नहीं लगता, सच्चाई है, ठीक है। अब ये साइट देखिए, जो एजेंट ये काम करता है उन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, ठीक है,
उस वेबसाइट पे अपना लिंक है खुद का, उस लिंक पे वो लिंक अगले को शेयर करता है, वीज़ा की नकली कॉपी स्कैन करके वीज़ा सेंड कर देता है और वो वीज़ा नंबर उस पे डालोगे तो वीज़ा चेक हो जाएगा। तो यार इतना बंदा कर लेता है कि भाई हमारा वीज़ा चेक हो रहा है, इसके ज़्यादा क्या चाहिए फिर बंदे को, वीज़ा चेक हो गया ना। लेकिन अब खास बात ये बता दूं कि जिस बंदे ने इसका ये परफॉर्मा मुझे भेजा है, इसके नाम से पहले भी मेरे पास 2 से 3 इंक्वायरी आ चुकी हैं। इस एजेंट को मैं जानता हूं और अच्छी तरह से जानता हूं इस बंदे को। भाई अगर मेरा वीडियो तेरे पास पहुंचे तो सुधर जा, वरना लोग सुधार देंगे तुझे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आदमी चल 10,000 खाता है, वहाँ 20,000 खा ले चल जाता है बंदे का, लेकिन पूरी टोटली चीटिंग, मुंह पे शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुझे। गरीब बंदे होते हैं, इस बंदा अगर ये मुझे फीस नहीं देता तो इसके ये पैसे चले जाते, क्योंकि एक बंदे ने मुझे ऑफर दिया, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं, 50,000 रुपये दूंगा सर इस बंदे का, मुझे एड्रेस बता दो। और संयोग से यही बंदा वो था। अब आप सोच लीजिए, अगर आपके साथ भी ऐसा, भाई आजकल ऑनलाइन चेक होने का मतलब ये नहीं कि वो श्योरिटी है, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। आप भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब मेरा यही था, ठीक है साथियों। इससे एक रिक्वेस्ट और करूंगा साथियों, मैंने सेकंड चैनल एक और बनाया है लीगल एडवाइज़र अशोक चौधरी के नाम से, लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ, उसको जाके सब्सक्राइब जरूर करें। कानून से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरी होगी आपके भविष्य में काम आने वाली, ठीक है, तो वो भी वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो के नीचे लिंक छोड़ रहा हूँ ताकि हर रोज़ आपकी सही जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।